बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के भदरिया गांव स्थित चांदन नदी के तट पर मिले पुराने भवनों के अवशेषों का विगत शुक्रवार से कानपुर से आए IIT के 7 सदस्यीय टीम प्रोफेसर जावेद मल्लिक के नेतृत्व में सर्वे का कार्य तीव्र गति से कर रही है। प्रोफेसर जावेद मल्लिक से मिली जानकारी के अनुसार ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से फिलवक्त स्थल की जांच की जा रही है, जिससे कि यह पता किया जा रहा है कि अवशेष जमीन के अंदर कितनी दूर तक फैली हुई है और उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। जांच के लिए फिलवक्त 1.5 किलोमीटर के एरिया का आइडेंटिफाई किया गया है, साथ ही 30x32 का ग्रेव बनाकर जांच किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 3D करने के बाद ही पूर्ण रूप से पुख्ता प्रमाण दिया जाएगा। 7 दिनों तक सर्वे करने के बाद ग्राउंड रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। बताते चले, पिछले वर्ष 20 नवंबर को छठ घाट बनाने के क्रम में ग्रामीणों को पुराने भवन के अवशेष मिले थे। देखते देखते यह बात पास पड़ोस के साथ साथ अन्य जिलों में फैल गई। सूचना मिलने पर पटना पुरातत्व विभाग की टीम, भागलपुर पुरातत्व विभाग की टीम चांदन नदी पर पहुंचकर मिले अवशेषों का निरीक्षण कर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दिया था। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 दिसंबर 2020 को भदरिया गांव पहुंचकर मिले पुराने भवनों के अवशेषों का अवलोकन कर स्थल की खुदाई के लिए नदी की धार को मोड़ने का निर्देश दिया। बिहार सरकार के निर्देश पर करोड़ों रुपए खर्च कर नदी में बांध निर्माण कर नदी की धार को मोड़ दिया गया, जिसके बाद विगत 3 दिनों से IIT टीम के सदस्यों के द्वारा हो रहे सर्वे से भदरिया गांव समेत आसपास के ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी जा रही है। मौके पर ग्रामीण सह समाज सेवी आनंद कुमार ने बताया कि पूर्वजों से मिली जानकारी के अनुसार महात्मा बुद्ध की परम शिष्या विशाखा की जन्मस्थली भदरिया गांव ही है। भगवान बुद्ध अपने प्रथम व परम शिष्या विशाखा से मिलने भदरिया गांव आए थे, जहां अपने शिष्यों के साथ कई माह भदरिया गांव में निवास किए थे। उन्होंने बताया कि आज सर्वे करने से ग्रामीणों में एक आस जगी है कि शायद अब भदरिया गांव पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो जाएगी। सर्वे टीम में PhD स्टूडेंट ईशान श्रीवास्तव, नयन शर्मा, मास्टर आसिफ अली, देवेंद्र सेनी, रवि जोशी समेत अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। देखिए, फाइंडिंग तो यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने हमको ये प्रोजेक्ट अवार्ड किया है। तो कुछ समय पहले उनको यहाँ पे कुछ अवशेष मिले थे, तो उनका उन्होंने खुदाई भी की, कुछ उनको ब्रिक स्ट्रक्चर्स मिले हैं यहाँ पे। लेकिन हमारा काम यह है कि हम उसका एक्सटेंड देखना चाहते हैं कि कितना एक्सटेंड है एरिया में वो फैला हुआ है करके। और क्योंकि अगर खुदाई शुरू करें तो कोई एंड नहीं है, बहुत बड़ा एरिया होगा और उसकी खुदाई करना है, तो हम लोग एटलीस्ट उसको पिन पॉइंट करेंगे कि कहाँ पर आप एक्सकेवेशन करें, क्योंकि एक्सकेवेशन बहुत टाइम लेता है। आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशन होते हैं और उसमें बहुत समय जाता है, पैसा भी बहुत लगता है, तो हम लोग इसको कट शॉर्ट करेंगे करके। तो GPR से ये फ़ायदा होगा, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है, इससे ये फ़ायदा होगा कि हम लोग स्ट्रक्चर्स जो हैं उसका ओरिएंटेशन, उसका डायमेंशंस क्या हैं, कितनी गहराई पे हमको मिल रहा है, उसका हम एक अंदाज़ा अच्छे से बता पाएंगे। इसलिए जो एरिया में जहाँ पर इनको स्ट्रक्चर मिले थे उसको कैलिब्रेशन हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को किए हैं, और उसके बाद फिर हमने कुछ फ्लैट एरियाज़ मिले हैं जिसे आप अभी देख सकते हैं पीछे की साइड में हम लोग कर रहे हैं, 3D कर रहे हैं। तो कल हमने 2D प्रोफाइल्स ली थी और सिंगल डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं करके, तो उस डायरेक्शन में हमको कुछ स्ट्रक्चर्स मिले हैं, हमको तो दिख रहे हैं जो कि प्रोबेबल वॉल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। और ये हमारे एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, हमने और आर्कियोलॉजिकल साइट्स में भी काम किया है, तो इससे अंदाज़ा लगता है कि ये भी वॉल स्ट्रक्चर्स हैं। जिस तरह अभी हमने इतने फिर टारगेट किया है कि इसको हम 3D दोनों दो डायरेक्शंस में हम लोग प्रोफाइल्स लेंगे, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हम लोग एक 3D मॉडल जनरेट कर पाएंगे सब सरफेस का, ज़मीन के अंदर का, तो उससे हम लोग एक अंदाज़ा लगाएंगे कि कहाँ पे एक्जैक्टली स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो हम लोग वो सजेस्ट करेंगे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को कि आप यहाँ पे इसका दायरा का कुछ अंदाज़ा है नहीं, लेकिन एक सेंसिबली जो लोकेशन है डेफिनेटली ये सेटलमेंट्स रहा होगा, जब बैंक में है वो रहे होंगे ये लोग, और रिवर शिफ्ट हुई है जिसकी वजह से फिर आपका इसमें दबा पड़ा है, तो एक्सटेंड तो हो भी सकता है। अब ये समझना थोड़ा सा हमारे लिए भी अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी होगा, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ इसको डिस्कस करके वो अपना क्या इसमें सोच रखते हैं और उनका क्या फाइंडिंग्स हैं, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कितना एक्सटेंड हो सकता है कि बड़ी साइट हो, इसका अंदाज़ा हमको नहीं था करके, या तो एक छोटा सा ही लोकेशन हो करके कुछ। लेकिन अगर जो मतलब हमारी जो समझ है बेसिकली ये होता था कि एक मेजर टाउनशिप है, उसके आसपास आउटस्कर्ट्स में छोटे छोटे पॉकेट्स में लोग बसते थे, जिस तरह के अभी भी होता है, तो क्या इस तरह का एक है?
है हमारे पास ये, और यहाँ पे पूरा क्लोज बाई क्या बड़ा सेटलमेंट रहा होगा ये भी अंदाज़ा नहीं है। तो ये शुरुआत है, देखिए आगे हमको क्या और देखना मिलता है इसमें, बट इट इज़ अ वेरी गुड वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग बाय द आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो इंटरेस्ट भी है, हमारा भी है, क्योंकि एक एक ज़माने में एक एजुकेशनल हब रहा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जगह है हम लोगों। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़ेल गांव स्थित सोलबिघिया बहियार में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक 12 वर्षीय बालक जख्मी हो गया। आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी बालक को उपचार के लिए अमरपुर स्थित रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर रमेश कुमार यादव ने बालक को मृत घोषित कर दिया। मृतक बालक लक्ष्मीपुर गांव के वार्ड नंबर 5 निवासी संजय मंडल का 12 वर्षीय पुत्र विक्रम मंडल बताया गया। अस्पताल परिसर में मौजूद मृतक के पिता संजय मंडल से मिली जानकारी के अनुसार बालक हम उम्र बच्चों के साथ गढ़ेल गांव के समीप स्थित सोलबघिया बहियार गया था। धान का बोझ उठा रहे ट्रैक्टर के ऊपर मेरा पुत्र बैठा था, तभी चालक ने अपनी वाहन स्टार्ट कर दी। इसी क्रम में मेरा पुत्र अनियंत्रित होकर वाहन से नीचे गिरकर वाहन की चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली, प्रशिक्षु दरोगा विशाल कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक बालक के परिजनों का बयान को कलमबद्ध करते हुए रामचंद्रपुर गांव निवासी नागेश्वर कुमार एवं लक्ष्मीपुर गांव निवासी बद्री मंडल को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। मौके पर पुलिस पहुंचकर सब को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। घटना की सूचना पर पंचायत के नव निर्वाचित मुखिया प्रशांत कुमार मंडल अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों को सांत्वना देते हुए घटना पर गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने शोक संलिप्त परिवार की हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। बालक की मौत के बाद मृतक बालक की मां मायावती देवी एवं अन्य परिजनों का रो रोकर बुरा हाल देखा गया। टाटे पंचायत के मुखिया हुए। ये क्या मतलब घटना क्या घटी? ये हमको सूचना मिला, आप ही मतलब पत्रकार से ही हमको फोन किया गया कि आपके पंचायत का एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, ट्रैक्टर से दब के। तो हम यहाँ पे पहुँचे और देख रहे हैं डेथ हो गया, उनका परिजन भी आने वाला है, आ रहा है, वो लोग को भी मालूम किया और वो लोग भी आ रहे हैं। उसके बाद जैसा भी हो प्रशासन से मिल के हम लोग इनको कुछ मुआवजा दिलाने का कोशिश करेंगे, और यही कहना चाहूँगा। ये आपके पंचायत कहाँ घर है? लक्ष्मीपुर इनका घर हुआ, हमारे पंचायत के 4-5 नंबर वार्ड के में इनका घर है। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के बुनकर बाहुल्य कटोरिया गांव का रेशम एवं हस्तकरघा उद्योग पटना के निदेशक पंकज दीक्षित, बांका जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत, बुनकर सेवा केंद्र की असिस्टेंट निदेशक विनोद प्रभाकर ने निरीक्षण कर रेशम और सिल्क से बने कपड़ों का बारीकी से अवलोकन किया। मौके पर बुनकरों के लिए बनाए गए डाई हाउस की बारीकी से निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत ने बुनकरों से बात करते हुए बुनकरों की समस्याओं से रूबरू हुए और समस्याओं का निदान करने का आश्वासन दिया। बताते चले बांका जिला अंतर्गत अमरपुर के कटोरिया गांव में डाई हाउस का निर्माण कराया गया है। 49 लाख रुपए की लागत से डाई हाउस का निर्माण होना है, जिसमें लगभग 16 लाख रुपए की लागत से डाई भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। डाई हाउस का निर्माण होने के बाद बुनकरों को निर्मित कपड़ों को डाई करने के लिए बाहर नहीं जाना होगा। फिलवक्त बुनकरों को हस्त निर्मित कपड़ों का मधुबनी में डाई कराने के लिए जाना पड़ता है। मौके पर जिला पदाधिकारी ने मौजूद बुनकरों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अवसर पर BDO राकेश कुमार, BPRO हिमांशु शेखर, थानाध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली, बुनकर नुसरत खातून, बीबी जन्नती, बीबी रौनक, मेहमूम निशा, अमीरुन निशा, कटोरिया बुनकर सहयोग समिति के मोहम्मद इश्तियाक, KGN सिल्क समिति के मोहम्मद इजाज उर्फ टार्जन समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।